अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सैदा में आपका स्वागत है। तो आज मैंने मेरे किचन में बनाया है, थोड़ी सी अलग सी यूनिक सी ये डिश है। तो ये मैंने थोड़ा अलग ही मसालों में बनाकर तैयार किया है। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये स्पाइसी सा कलेजी पिप्से का डिश को बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है गैस की फ्लेम पे। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑन। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। अब मैं इस कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी सात से आठ हरी मिर्च और दस से बारह लहसुन की कलियाँ। दस से बारह लहसुन की कली मैंने इसमें ऐड कर दिया है और छः से सात हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। आधा चम्मच के करीब जीरा। अब मैं इसे भून लूंगी, हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इन्हें हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच के करीब थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब थोड़ा सा तेल ऐड किया है इस कढ़ाई में हरी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा एक चम्मच के करीब तेल ऐड किया है। अब मैं इसमें जो है हरी मिर्च और लहसुन और जीरे को करीबन दो मिनट तक का अच्छे से क्रिस्पी जैसा भूनूंगी। मैं इस कढ़ाई में ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैंने मूंगफली को सेंग को जो है तवे पे अलग से भून लिया था और इसके ऊपर के छिलके जो है निकाल लिया है मैंने, उसे भी मैं इस कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। तो मूंगफली को इस कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैं इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्लेट में जो है हरी मिर्च लहसुन जीरा और सेंग को अलग से भूनकर निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया। हरा धनिया और इन्हें जो है मैं मिक्सी की जार में आप दरदरा से पीस कर निकाल सकते हो या एक हमाम दस्ते में इसे अच्छा सा कूट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक हमाम दस्ता ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया जो मैंने लिया था। अब हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इस हमाम दस्ते में हरी मिर्च लहसुन जीरा और सेंग को जो मैंने भूनकर निकाला था उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे मसालों को इसमें ऐड कर दिया है मैंने, डाल दिया। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और इन्हें मैं अच्छा सा कूट लूंगी। ये देखिए, मैंने इस हमाम दस्ते में सारे मसालों को अच्छा सा कूट लिया है। अब मैं इस कढ़ाई में ऐड कर दूंगी करीबन डेढ़ चम्मच के करीब तेल। तो कढ़ाई में तेल मैंने ऐड कर दिया है, तेल जो है अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है इन्हें। अब मैं इस तेल में इन्हें ऐड कर दूंगी, इन्हें करीबन चार से पाँच मिनट तक का अच्छे से भून लूंगी इस तेल में गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से कलेजी को अच्छे से सात से आठ मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। ये जो है 70 से 80% कुक हो चुकी है और तेल भी जो है वो कॉर्नर पर आ चुका है और इसका जो पानी है वो भी रिलीज होकर सूख चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसालों को। यहाँ पे मैंने जो मसालों को थेसा बनाकर तैयार किया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी। थेसा बनाकर तैयार किया था मसालों का, उसे मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1/3 के करीब हल्दी ऐड कर दूंगी और मैं इन्हें कलेजी और पेप्सो में मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी।
ये कलेजी और फेफसे की जो ये यूनिक सी मसालों की रेसिपी है, फेफसे में तैयार किया हुआ जो ये कलेजी और फेफसा है, ये आप भी ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और थोड़ी सी स्पाइसी सी डिश है, तो आप ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है कैसी लगी। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इन्हें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसे आप एज अ स्टार्टर भी ट्राई कर सकते हो, और अगर रोटी से खाइएगा तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये मैंने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें अब कोई भी मसाले हमें ऐड नहीं करना है। इसी मसाले में हम कलेजी, इसी ठेसे वाले मसाले में हम कलेजी और फेफसे को बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से ढककर 4 से 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट में जो ठेसे वाले मसाले और कलेजी फेफसे है वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल जाएंगे और ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कलेजी और फेफसे को जो है 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। तो चलिए अभी इन्हें चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है कलेजी और फेफसे की स्पाइसी सी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए मैं इसे अब प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। मैंने कलेजी और फेफसे की यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, जो बहुत ही अलग मसाले में बनकर तैयार हुई है। जी, आप भी इस मसाले को ट्राई करके इस रेसिपी को बनाकर देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप एज अ स्टार्टर या रोटी से खाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।